निर्माण में देश की महान भागीदारी। आपकी घंटी ने बनाया नया रिकॉर्ड। जनता के समर्थन की अब तक 2.25 करोड़ से ज्यादा मिस्ड कॉल। घंटी बजाओ। नमस्कार, घंटी बजाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं देश का नंबर वन करंट अफेयर शो घंटी बजाओ, आपका अपना शो। आज का मुद्दा है, बहुत शोर सुनते थे एमपी में शिवराज का, अस्पताल जाकर देखा तो भैंसिया खड़ी थी। हंसी आ रही होगी ना आपको। देखिए, वो मध्य प्रदेश जहां 15 साल से बीजेपी का शासन है, जहां 13 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, जिनकी पार्टी कई बार शिवराज सिंह की तारीफ करते हुए उनके राज्य के मॉडल की तारीफ करती है, मिसाल देती है। लेकिन क्या वाकई सच्चाई यही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जनता स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उपवास में है और सरकार अस्पतालों के विकास के अज्ञातवास में है। जी हां, यही तो कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि देश के दिल में बसे मध्य प्रदेश की ग्रामीण आबादी को एक मामूली से बुखार के इलाज के लिए 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जबकि गांव के बगल में सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके स्वास्थ्य केंद्र बनवा रखे हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य केंद्र खुद बहुत बीमार हैं। आप कहेंगे कैसे? तो यही दिखाने के लिए हमने मध्य प्रदेश के 4 जिलों में एक गहन पड़ताल की। तो आज आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और मध्य प्रदेश के ग्रामीणों को एक अस्पताल दिलाने के लिए जोरदार घंटी बजाइए। ये शिवराज सिंह के सीहोर में मोगरा राम उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहां सिर्फ गाय और भैंस बांधी जाती है। और ये है शिवराज के राजगढ़ का गदियामेर उप स्वास्थ्य केंद्र, जहां गोबर के उपले मिलेंगे, डॉक्टर या मरीज नहीं, क्योंकि शिवराज सिंह की स्वास्थ्य व्यवस्था ने यहां अंदर भूसा भर रखा है। होशंगाबाद के रायपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को सिर्फ ताला मिलता है, डॉक्टर और आला नहीं। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र के बेड खुद बीमार पड़े हैं, जनता के इलाज की दवाइयां कूड़े में। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तो कहते हैं, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो मनुष्य बाकी चीजें और दूसरी चीजें कर ही नहीं सकता। हमारे यहाँ जो गरीब है, उस गरीब को उपचार की पूरी व्यवस्था, सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो गया और बिस्तर पे पड़ गया और इलाज में अलग पैसा खर्चा होता है, और इसलिए हमने तय किया कि इसकी इलाज की गारंटी सरकार लेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं, बहुत शोर सुनते थे एमपी में शिवराज का, अस्पताल जाकर देखा तो भैंस खड़ी थी। हम कोई भी बात हवा में नहीं कहते, पहले जमीन पर जाकर हकीकत को परखते हैं, फिर सरकार को आईना दिखाते हैं। इसलिए हमने मध्य प्रदेश के 4 जिलों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की पड़ताल की, ताकि सरकार को बता सकें कि गांव में गरीब जनता के स्वास्थ्य के नाम पर स्वास्थ्य केंद्रों की जो डुगडुगी पीटी जा रही है, उसके शोर में कितनी सच्चाई है। शुरुआत की सीधे शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के मोगरा राम उप स्वास्थ्य केंद्र से, जहां ना डॉक्टर दिखेंगे ना मरीज, क्योंकि ये अस्पताल अब तबेला बन चुका है। जहां डॉक्टर नहीं, गाय भैंस अंदर की तरफ हैं और बाहर की तरफ अतिक्रमणकारियों का कब्जा। तो क्या सरकार को पता नहीं है? विभाग को सूचना करी आप? आपको सूचना मेरे द्वारा कई बार दी गई है और अधिकारियों को अतिक्रमण के बारे में और तार फेंसिंग टूटने और बिल्डिंग के जर्जर होने के बारे में भी सूचना दी गई थी अधिकारियों को। सरकार और सिस्टम सुन कहां रहा है? सुनता होता तो शिवराज सिंह के ही जिले सीहोर का भाऊखेड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो पिछले साल ही बनकर तैयार हुआ, वहां गाय भैंस नहीं है तो डॉक्टर भी नहीं, सिर्फ सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा रहता है। और जनता के पैसे की बर्बादी कितनी हुई, सुनिए स्थानीय निवासी संदीप से। 95 लाख रुपए की लागत से बना हुआ ये भवन है, जिसमें आज तक भी कोई डॉक्टर नहीं आया है और ये भवन जो है वो बिना डॉक्टर के चल रहा है ये हॉस्पिटल। प्रति 1,20,000 की आबादी पर सरकार कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाती है, प्रति 30,000 आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है और प्रति 5,000 आबादी के लिए एक उप स्वास्थ्य केंद्र। लेकिन मध्य प्रदेश की गरीब जनता को स्वास्थ्य सेवा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठगा जा रहा है।
क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 817 डॉक्टरों की कमी है। मध्य प्रदेश के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 1234 डॉक्टरों की कमी है, लेकिन मिलेंगे सिर्फ 180 डॉक्टर ही। तभी तो जब एबीपी न्यूज संवाददाता मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में गादियामेर उप स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे तो बाहर गोबर के उपले बने दिखे, अंदर भूसा भरा नजर आया और बाहर गेट पर ताला। पता चला सरकार ने जो उप स्वास्थ्य केंद्र गांव वालों के इलाज के लिए बनाया उस पर अब स्थानीय दबंग का कब्जा है। कब से खुलता है कि नहीं? 12 महीने से बंद है। अच्छा, 12 महीने हो गए। कब्जा तो राजगढ़ जिले में ही दौलाज उप स्वास्थ्य केंद्र पर भी हो गया, जहां 4000 की आबादी वाले आसपास के गांवों के लोगों का इलाज होना था। वहां एक दबंग की गाय बंधी है, उसके टेंट हाउस का सामान रखा है, क्योंकि सरकार तो अपने कर कमलों से इस केंद्र का उद्घाटन करके भूल गई और जनता की स्वास्थ्य सुविधा पर ताला लग गया। हम पहुंचे ब्लॉक मेडिकल अफसर और जिला स्वास्थ्य अधिकारी तक। आखिर कैसे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र दबंगों के कब्जे में है और जनता इलाज को तरस रही है। जिले की सबसे बड़ी स्वास्थ्य अधिकारी झूठ बोलती पकड़ी गई। हाँ, ऐसा वो है, हमारे कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र है, संज्ञान में भी आया है और वहाँ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने राइटिंग में दिया है, तो उसके लिए मैंने जो है प्रशासन को लिखा है, पत्र लिखा है कि इनका कब्जा जो है तत्काल हटवाया है। ऐसी मुझे आज तक कंप्लेंट नहीं मिली है, लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है कि अगर उन्होंने दुकानदारी वहाँ पे चालू कर रखी है और गवर्नमेंट बिल्डिंग में अगर वो अपना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट से कुछ काम कर रहे हैं तो उनको तत्काल हटा दिया जाएगा। सफेद झूठ बोलकर नीम बेहोशी में पड़ी हुई है शिवराज सिंह की स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसके कारण हालत ये है। जन्म लेने के बाद प्रति 1000 बच्चों में मध्य प्रदेश के 50 बच्चे अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाते, क्योंकि शिशु मृत्यु दर में देश का सबसे कुख्यात राज्य है मध्य प्रदेश। और ऐसा होने के पीछे वजह है मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों की दुर्दशा। जैसे होशंगाबाद जिला मुख्यालय से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर रायपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में जब हम दोपहर 12 बजे पहुंचे तो बीमार मरीज इलाज के लिए डॉक्टर का इंतजार करते मिले और भीतर मिला ताला, जबकि यहां लिखा है दवा वितरण सुबह 9 से शाम 4 बजे। यहां पे तो सर हफ्ता में एक दो बारी खुल पाता है, बाकी तो बंद ही रहता है, ताला लगा ही रहता है। यहां पे बिल्डिंग तो है लेकिन यहां पे डॉक्टर वगैरह या नर्स वगैरह कोई उपलब्ध नहीं है। रायपुर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र के पास इमारत है लेकिन डॉक्टर नहीं, और होशंगाबाद के ही जासलपुर में खंडहर जैसी हो चुकी इमारत जो पहले जूनियर हाई स्कूल हुआ करती थी, वहां कूड़े कबाड़े के बगल में स्वास्थ्य केंद्र चला रहा है। यहां डॉक्टर साहब मिल गए लेकिन बिना बिजली बिना पानी वाले इस केंद्र पर और कोई कर्मचारी नहीं। स्टाफ में स्थिति ऐसी है कि एक बाई है, औषधालय सेवक है, और यहाँ झाड़ू पोछे के लिए भी कोई है नहीं स्टाफ, और वो स्टाफ की भी ज़रूरत है। एक दवाइयों के लिए जो लगता है कंपाउंडर लगता है उसकी भी ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में करीब 11,192 उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार ने बना तो दिए, लेकिन कहीं इमारत नहीं बन पाई तो कहीं डॉक्टर ही नहीं पहुंच पाए। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के गांव में गरीब गर्भवती महिलाएं इलाज के अभाव में दम तोड़ देती हैं। मध्य प्रदेश में 1000 महिलाओं में 221 महिलाओं की जान इलाज के अभाव में नहीं बचाई जा पाती। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य बजट जो है वो 5689 करोड़ रुपए का है। हाल के ही बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 बिस्तर का अस्पताल खोलने पर अनुदान देने का ऐलान किया गया। 6 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा सरकार ने की है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर जो जमीन पर दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। एक और जानकारी आज हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, और वो ये कि इलाज में महंगे खर्च के कारण देश में हर साल 6,30,00,000 लोग बेहद गरीबी में जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं। हर साल 1% ग्रामीण को इलाज के लिए अपनी जमीन, गहने और दूसरी चीजें बेचनी पड़ती हैं। देश के 25% ग्रामीण परिवार कर्ज लेकर ही अपनों का इलाज कराने के लिए छटपटाते हैं, और गरीब इलाज के लिए कैसे कर्ज में डूब जाता है इसकी वजह समझाएगी आपको हमारी ये अगली रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सुल्तानपुर कस्बे का ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जहां थोड़ी देर पहले ही 108 एम्बुलेंस सेवा से एक बुजुर्ग महिला को लाकर छोड़ा गया जो रास्ते में बेहोश मिली।
यहाँ मौजूद स्टाफ नर्स किसी तरह इलाज की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इस अस्पताल में कोई और डॉक्टर नहीं है और स्वास्थ्य सेवा के नाम पर कैसे पूरा सिस्टम बेहोश पड़ा है, खुद नर्स से सुनिए। एक सौ आठ वाले ने छोड़ दिया है यही। जी। तो हमने उसे बोले तो देख लेते, यहाँ डॉक्टर तो 10-12 दिन से तो डॉक्टर साहब नहीं है। 108 और 100 नंबर सबको हम फोन लगा दिया, कोई अभी तक आई नहीं है। और शुरू की जिससे 108 को फोन लगा, वो कर लगी अम्मा से कह दो अपने व्यवस्था से जाए, तो हमने बोले वो बेहोश है, वो कैसे जाए। तो फिर क्या करना चाह रहे, मैंने बोली 100 जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दे रही हैं, कर लगी हमने यहाँ तक ले गया तो बड़ी मेहरबानी समझो, बस तुम देख लो बोल के वो चले गए। मेहरबानी तो समझता है पूरा सिस्टम, ग्रामीण जनता को इलाज के नाम पर तड़पाने वाली सेवा देकर। तभी तो रायसेन जिले के कुचवाड़ा में सरकारी अस्पताल में ताला बंद था। हमारे कहने पर कर्मचारी ने किसी तरह ताला खोला तो पता चला पूरा अस्पताल जर्जर हालत में है। मरीजों के लिए सरकारी बेड का हाल देख लीजिए और दवाएं देखिए जो कूड़े में पड़ी हैं, और इलाज के लिए यहाँ कोई डॉक्टर नहीं। कोई डॉक्टर वगैरह मिलता है? कुछ नहीं है। लेडी डॉक्टर वगैरह कोई? आप लोग जब कभी बीमार हो जाते हैं या कोई डिलीवरी जैसी समस्या आती है तो कहाँ जाना पड़ता है? उदयपुर या बरेली। यहाँ कोई सुविधा नहीं होती? कुछ सुविधा नहीं। और जब इन हालात पर जिले की सबसे बड़ी स्वास्थ्य अधिकारी शशि ठाकुर से हमने सवाल किया तो इनका जवाब तो सुनिए। हमारी तरफ से तो हमको बहुत ज्यादा संघर्ष और प्रयास करने पड़ रहे हैं, जो हो सकता था वो हुआ है, क्योंकि सारे के सारे तो नहीं बन सकते। ये जवाब है चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर का। ऐसे ही गैर जिम्मेदार सिस्टम के कारण ही तो 1336 विशेषज्ञ डॉक्टरों की जगह सिर्फ 289 के भरोसे मध्य प्रदेश में जनता का इलाज किया जा रहा है। रेडियोग्राफर के 160, लैब टेक्नीशियन के 226 और नर्सिंग स्टाफ के 1161 पद खाली पड़े हैं। तो फिर बिना डॉक्टर और स्टाफ के भैंस वाले अस्पतालों के भरोसे चल रहे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सिस्टम को संभालने वाले स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह क्या कर रहे हैं? डॉक्टर, एक्सपर्ट नर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारी तो तब आप दे पाएंगे मंत्री जी जब आप स्वास्थ्य केंद्रों को सही से बना पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनने वाला एक युवा आपके गाय भैंस वाले स्वास्थ्य केंद्रों पर बिना बिजली बिना मेडिकल सुविधाओं के कैसे जनता का इलाज कर सकता है? इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पर लक्ष्य तय करके ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक ग्रामीण जब अपनी छोटी सी बीमारी का इलाज पास के स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं करा पाता तो वही बीमारी बड़ी होती जाती है, जिसके इलाज के लिए उसे गांव छोड़कर शहर आना पड़ता है। महंगे इलाज के कारण गरीब ग्रामीण को कर्ज लेना पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि स्वास्थ्य केंद्रों की अपनी इमारत हो, उनमें जरूरी मेडिकल उपकरण हो, डॉक्टर और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारियों की सिर्फ नियुक्ति ना हो बल्कि उनकी मौजूदगी सरकार सुनिश्चित कराए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। तो बेशक इन स्वास्थ्य केंद्रों की जर्जर हालत देखकर आपके जहन में अब ये सवाल आया होगा कि जिन मामा जी की पिछले 13 सालों से सरकार है मध्य प्रदेश में, वो कहाँ हैं? जिन शिवराज सिंह चौहान को गांव में स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली को संज्ञान में लेना चाहिए था, वो कहाँ हैं? वो दरअसल यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करना अच्छी बात है शिवराज जी, लेकिन कम से कम स्वास्थ्य केंद्रों की बात जो रहे, बीमारों की आहूति तो मत दीजिए उस यज्ञ में। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।